उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में खाद्य विभाग ने 15 क्विंटल मावा पकड़ा है। रात के समय जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विपणन और पुलिस टीम ने दो गाड़ियों में भरा नकली मावा जब्त किया। पकड़े गए मावे को खाद्य विभाग की टीम की देखरेख में नदी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। आपको बता दें कि दीपावली त्योहार को लेकर मावे की मांग बढ़ रही है, जिसका फायदा उठाकर मुनाफाखोर भारी मात्रा में नकली खोए की मार्केट में सप्लाई कर जाते हैं। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में नकली सिंथेटिक खोया दो गाड़ियों में भरकर निकलने की सूचना बीती रात पुलिस और खाद्य विपणन विभाग की टीम ने छापा मारकर दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। गाड़ियों की टीम को 15 क्विंटल नकली मावा मिला, जिसे बेतवा नदी के पुल से डिस्ट्रॉय किया गया। बताया जा रहा है कि मावा बांदा से कानपुर मंडी सप्लाई के लिए जा रहा था। आपको बता दें कि कानपुर खोया की बड़ी मंडी है, यहीं से त्योहार को लेकर आसपास के क्षेत्रों में मावा सप्लाई किया जाता है। हमीरपुर जिले में भी बड़े पैमाने पर कानपुर क्षेत्र से त्योहारों में खोए की सप्लाई ली जाती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुखबिरी की गई थी, जिसमें एक पलानी बांदा से एक कानपुर जा रहा था, तो रात में अचानक पुलिस के सहयोग से सुनेरपुर क्रॉसिंग के पास छापा मारा गया, जहां दोनों गाड़ियां पकड़ी गई। दोनों गाड़ियों में कुल मिलाकर 15 क्विंटल नकली खोआ था, जो पाउडर और रिफाइन से बनाया गया था, प्रथम दृष्टया देखने में और नुकसानदेह था, इसलिए उसको डिस्ट्रॉय करा दिया गया। चार सैंपल लिया गया है सुनेरपुर थाने में।